मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अम्ब्रेला के तहत हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज JNK जिसके अधीन जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन चलता है। हम लोग 11 दिन का सारस का मेला करने वाले हैं। सारस का मतलब सेल्स ऑफ आर्टिकल्स फॉर द रूरल आर्टिजन सोसाइटी। तो इसमें हमारा कोशिश ये 11 दिन का है, क्योंकि अदरवाइज़ एक या दो दिन का कोई मेला लगता है, ये 11 दिन का है। पहली इसकी खासियत ये है, और दूसरी ये है कि ये सारा कुछ महिलाओं के थ्रू होने वाला है। महिलाएं ही मेला चलाएंगी, वही सामान बेचेंगी, वही आपको खाना खिलाएंगी। सारा कार्यक्रम हमारी जो उम्मीद सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं वो करेंगी। 4 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक इसी वेन्यू पर ये मेला जो है ये है। मैं टाइमिंग क्या रहेगी इसकी? सुबह 10 बजे से शुरू होगा और कोशिश हमारी है कि हम 8 बजे तक इसको ले लें। उससे पहले मतलब 8 बजे तक हम लोग इसमें कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम है, सब कुछ है, वो सब हो जाएगा। मैम कितने इसमें पार्टिसिपेंट्स कर रही है रूरल की मैडम जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कितने पार्टिसिपेंट कर रहे हैं और कितनी लेडीज़ इसमें? देखिए, जो हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर के, वो सारे 20 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। और हमारे 70-72 करीबन स्टॉल्स लग जाएंगे, और हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक हम मतलब वो दे रहे हैं, स्टॉल दे रहे हैं। और उसका अब आप उसकी गिनती करने चलेंगे तो ये जो सामान यहाँ पर बिकेगा, दिस हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 10, बिकॉज गाँव में जो महिला सामान बना रही है उसका नंबर बहुत ज़्यादा है। बेचने के लिए जो यहाँ महिलाएँ आएंगी वो कम होंगी, बट एट द सेम टाइम सामान बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर का जो है वो बिकने वाला है। और जो बाहर की हमारी स्टेट्स आने वाली हैं, हमें उम्मीद है कि 15 स्टेट्स आ जाएंगी, और उन्होंने मतलब अपना सारा कार्यक्रम शुरू कर दिया है आने का, सामान को इन्वेंटराइज करने का, वो भी यहाँ पर जो है शामिल होंगी। वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं होंगी जो दूसरी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज से आएंगी। मैम एक ये यूनिक किस्म का जो फेयर है ये लगने जा रहा है, आपको लगता है कि फ्यूचर में जो फीमेल्स हैं उनको उनके इंक्रोचमेंट के लिए, उनको इनक्रेज करने के लिए जो है ये फायदा? देखिए, फ्यूचर इज़ वर्चुअल। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और ऑनरेबल LG साहब ये बोलते हैं कि फिज़िकल मार्केट की जगह वर्चुअल मार्केट पे आ जाइए, क्योंकि अब 2023 की बात हो रही है, इसमें हम वर्चुअल सेल पॉइंट्स एंड ई कॉमर्स उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं आने की, और परसों हमारा वेबसाइट भी लॉन्च होगा। तो ये जो मेले हैं ये सरकार इसलिए चलाती है कि जो औरत घर पे बैठ के सामान बनाती है और किसी बिजनेसमैन या कमिश्निंग एजेंट के थ्रू नहीं आ पाती, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है डायरेक्ट। और हमारी बिचौलिया बीच में कोई नहीं है, और हमारी जो महिला गांव में सामान बनाएगी, आप देखेंगे खुद ही कि वो सामान आपको मार्केट में नहीं मिलता, ये वो सामान आने वाला है। तो ये बिचौलिए भी बीच में नहीं हैं, और ये महिलाएं जो हैं डायरेक्टली अपना सामान खुद बेच रही हैं। तो ये बहुत खास एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है। हैंडमेड कितनी आइटम्स जो हैं उन पे फोकस किया गया है? जनरली आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही प्रमोट कर रहे हैं इसके तहत? हाँ, देखिए ऐसा है कि हम लोग ट्रेडिंग बिल्कुल डिस्करेज करते हैं, तो ये जितना सामान यहाँ पर आएगा वो हैंडमेड ही है। आप उसमें हमारे डूने छाबड़ी, हमारे कैलको की प्रिंटिंग, हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग सांबा की, बसौली का आर्ट, कुशंस, पश्मीना बसौली शॉल्स, वहाँ से खाने का सामान, कलाड़ी, फूड कोर्ट आप देख रहे हैं ऑन योर लेफ्ट, देर इज़ अ फूड कोर्ट। तो ये सारा कुछ जो है महिलाओं का किया हुआ है, उन्हीं के थ्रू होने वाला है। सारस मैम, इट्स जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग। एब्सोल्युटली राइट, मिशन एब्सोल्युटली राइट। उसके अलावा जो है मिशन लाइवलीहुड किस तरह से एम्पावर और स्ट्रेंथन कर रहा है तो स्पेशली जम्मू कश्मीर? यस, सारस एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक बहुत बड़ा आपको जो है सामान को बेचने का प्लेटफॉर्म बन गया है। इसी का कनॉट प्लेस में एक सारस गैलरी भी बन गई है। बट उसके अलावा जो उम्मीद है या जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ये थीमेटिक एरियाज पे काम करता है। सो थीम्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, और उसमें बैंकिंग एक बहुत बड़ा थीम है। हमारी बैंक सखियाँ हैं, DG पे सखीज़ हैं। फिर हमारी औरतें एनिमल हस्बेंड्री में चली गई हैं ए हेल्प के ज़रिए, दैट इज़ पशु सखी। देन वी आर इनटू फार्मर्स वेलफेयर, दैट इज़ कृषि सखी। और अब हमारी कोशिश है कि हम एक दो और कार्डर उसमें ज्वाइन करें,
तो हम थीमेटिक एरियाज पे बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। ये तो एक सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है जहां हम आज बैठे हैं, बट इसके अलावा एक पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। इट्स नॉट ओनली मेकिंग समथिंग एंड सेलिंग इट, इट्स अ कंप्लीट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑफ अ वुमन इन द रूरल एरियाज। मैम आप चाहे रियासी रहे, आप उधमपुर रहे, आपने हमेशा वुमेन फोक को एक प्रोमिनेंस दिया है। अब आप उस डिपार्टमेंट में हैं जहां आप चाहे तो इनको और ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं, तो पर्सनली आप इनके लिए इनको किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए ये दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, ये वैसे भी मेरे इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बट द थिंग इज कि एक औरत जब आप अपने घर परिवार में समाज में देखते हैं, एक औरत अगर घर में मिठाई बना रही है उसकी उतनी कीमत नहीं, उसकी उतनी प्रशंसा नहीं होती जितनी आप हलवाई से मिठाई लाएंगे और उसकी बारंबार प्रशंसा करेंगे। My only request is कि जब हम अपने घर परिवार की महिलाओं की थोड़ा सा उसको पीछे से कुशन दे दें कि वो जो भी कुछ बना रही है, आप आज देखेंगे 4 फरवरी से यहाँ पर वो चीज़ें बनकर तैयार होकर आएंगी जो आपकी दादी नानी माताएं ये बहनें बनाती रही हैं। तो अगर घर परिवार की औरत को हल्का सा आप कुशन करेंगे पीछे से, वो एकदम तान के खड़ी हो जाएगी एंड डेफिनेटली शी विल बी हेल्पिंग इन योर इन दी लाइवलीहुड एंड इन दी इनकम जनरेशन फॉर दी फैमिली ऑल्सो। तो पैसा जो है वो आपको डिसीजन मेकिंग की एक बहुत बड़ी हेल्प करता है। परिवार में अगर औरत की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन आ जाए और क्या चाहिए। सो हमारी उम्मीद जो स्कीम है वो आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आप घर परिवार के छोटे छोटे फैसलों में जो आपसे वैसे नहीं पूछे जाते क्योंकि आप कमा नहीं रहे हो, बट वंस अ वुमन स्टार्ट्स अर्निंग, ये छोटे छोटे फैसलों में वो समाज अपने परिवार की तरक्की में उससे भी पूछा जाता है। इंदू जी, हाउ इज द रिस्पांस फ्रॉम द सखी से, कैसा रिस्पांस है ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कैसा रिस्पांस? देखिए टू टेल यू वेरी रियलिस्टिक, आदत नहीं थी हम लोगों को इतने एक्सपोजर की, नहीं काम करने की तो आदत ना होती तो सर्वाइवल मुश्किल था, बट इतना एक्सपोजर मिलने की। अभी जब ये हमें ऑनरेबल एलजी की गाइडलाइंस इतनी सख्त हो रही हैं कि आपको एक्सपोजर देना है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी, नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ इन लोगों को प्रोडक्शन क्वांटम कैसे बढ़ाया जाए वो बहुत बड़ा चैलेंज है। इट्स नॉट ईजी, क्योंकि जब आप 4 रुमाल बना के बेचने की आप रख रहे हैं, अब हम आपको बोल रहे हैं 4,000 बनाइए, वो प्रोडक्शन जब आपकी बढ़नी है उसमें बहुत, मेरी टीम की एएमडी बैठी हैं, ये नॉन फार्म देखते हैं स्टेट का, इनकी बहुत ज़्यादा प्लानिंग लग रही है। सो आई एम हैप्पी कि रिस्पांस बहुत सॉलिड आ रहा है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।